अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट नर्मदा प्रोजेक्ट। नर्मदा प्रोजेक्ट गुजरात का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो नर्मदा प्रोजेक्ट की मेन कैनाल दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है। कैनाल नेटवर्क की पूरी लंबाई लगभग 66,000 किलोमीटर है। नर्मदा प्रोजेक्ट गुजरात के 8,215 विलेजेस और 135 सिटीज को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करता है। नर्मदा प्रोजेक्ट गुजरात के 14 डिस्ट्रिक्ट 75 तालुकाज और 3,360 विलेजेस को इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अब दूसरा पॉइंट जो है उसकी बात करते हैं, वो है मिनरल रिसोर्सेस। मिनरल रिसोर्सेस बायोटिक एंड अबायोटिक मटेरियल्स अर्थ सरफेस के नीचे भारी गर्मी और प्रेशर के कारण केमिकल कंपोनेंट्स यानी कि घटक की वजह से मिनरल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मिनरल्स की उसका ये खजाना हजारों सालों तक चलने वाली नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से अर्थ के कोर में बनता है। अर्थ के नीचे ये मिनरल्स प्योर फॉर्म में नहीं होते, इनके कई तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, इसलिए इन्हें ओर कहा जाता है। एग्जाम्पल आयरन ओर। इन आयरन ओर यानी कि इन ओर्स को रिफाइन यानी कि क्लीन करने के बाद हमें ये मिनरल्स प्योर फॉर्म में मिलते हैं। यही मिनरल्स की देश की आर्थिक शक्ति यानी कि इकोनॉमिकली पावर और समृद्धि को आगे ले जाते हैं। मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। मेटालिक मिनरल्स जिसमें रो आयरन, कॉपर, गोल्ड, जिंक, टिन, निकल, मर्क्यूरी, प्लेटिनियम एट्सेट्रा आते हैं। नॉन मेटालिक मिनरल्स यानी कि डायमंड, रूबी, लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट, बॉक्साइट, फ्लोरस्पार, जिप्सम, एकिक, कैलकाइट, सिलिका, ग्रेफाइट, पोटाश, फॉस्फेट एट्सेट्रा आते हैं। पावर जनरेटिंग मिनरल्स में कोल, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम एट्सेट्रा आते हैं। प्लेस वेयर मिनरल्स आर अवेलेबल। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें एक टेबल दिया गया है, मिनरल्स और मेटल्स किस स्टेट में पाए जाते हैं, उसका यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। कोल मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में पाए जाते हैं। मैंगनीज आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। कॉपर आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सिक्किम और मेघालय। बॉक्साइट यानी कि रो एल्यूमिनियम उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड और महाराष्ट्र। माइका जिसे हम अबरक कहते हैं, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार और राजस्थान। लेड जो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में। लाइमस्टोन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश। गोल्ड कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम और अंडमान निकोबार। थोरियम मेनली राजस्थान और झारखंड में। अब देखते हैं यूजेज ऑफ मिनरल्स। मैंगनीज का उपयोग केमिकल इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड, ग्लास, वार्निश और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में होता है। कॉपर का यूज इलेक्ट्रिक वायर्स, मटेरियल्स, कलर ग्लास, कॉइन्स एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज में होता है। बॉक्साइट इलेक्ट्रिक मटेरियल, कलर्स, एरोप्लेन्स, प्योरिफिकेशन ऑफ केरोसिन और सीमेंट बनाने में होता है। माइका रेडियो, टेलीफोन, एरोप्लेन, ग्रामोफोन, साउंड प्रूफ कर्टन्स बनाने में होता है। फ्लोरस्पार मिनरल को पिघलाने में प्लास्टिक इंडस्ट्री, हाइड्रोक्लोरिक इंडस्ट्री और चाइना क्ले की चीज़ें बनाने में इसका उपयोग होता है। अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेस। मेनली कई सारे पेड़ और झुंड के साथ बड़े एरिया को कवर कर दिया जाता है जिसे फॉरेस्ट कहा जाता है। फॉरेस्ट एक नेशन का एक बहुत ही यूजफुल सोर्स होता है। इंडिया में अलग अलग तरह की फिजियोग्राफी और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से अलग अलग फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया में 5000 से भी ज़्यादा टाइप के ट्रीज हैं। इंडिया वर्ल्ड में 10th रैंक पर है अवेलेबिलिटी ऑफ द वेराइटी ऑफ वेजिटेशन में। प्राचीन काल से इंडिया जड़ी बूटियों के
लिए बहुत ही फेमस है। आयुर्वेदिक में 2000 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का उसका उल्लेख किया गया है आयुर्वेद में। एवरग्रीन फॉरेस्ट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में माउंटेनियस रीजन और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। एवरग्रीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पत्ते किसी भी सीजन में झड़ते नहीं हैं, इसलिए ये फॉरेस्ट पूरे साल हरे भरे रहते हैं। इसके ट्रीज आमतौर पर 30-35 मीटर ऊंचे होते हैं हाइट में। बैम्बू, टीक, साल, महागनी और सीसम इन जंगलों के मेन ट्रीज हैं। अब बात करते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। विंध्याचल माउंटेन रेंजेस में पाए जाते हैं, सातपुड़ा हिल्स, हिमालय के फुट हिल्स, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स के फुट हिल्स में ये फॉरेस्ट आमतौर पर देखे जाते हैं। इन जंगलों में मेन ट्रीज टीक, साल, महुड़ा, बनियन ट्री और पीपल हैं। इन ट्रीज के पत्ते ऑटम सीजन में गिर जाते हैं। जहाँ पर एनुअल रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ लार्ज रिवर्स के डेल्टाज और खाड़ियों में टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट काफ़ी अच्छी तरह से फैले हुए हैं। इंडियन टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट मेनली गंगा के डेल्टा और कोस्टल प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन मैनग्रोव, सुंदरी, पाम, केवरा, चेर, इन जंगलों में पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट यानी कि शंकुधारी जंगल हिमालय के माउंटेनियस रीजन में पाए जाते हैं। वहाँ पर देवदार, पाइन, स्प्रस और बिर्च जैसे पेड़ इन जंगलों में पाए जाते हैं। थॉर्नी फॉरेस्ट यानी कि कांटेदार जंगल नॉर्थ वेस्ट पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान और साउथर्न एंड वेस्टर्न एरियाज ऑफ उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। स्पर्ज, बबूल यानी कि कैक्टस और केपर जैसे पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की। इंसानों की लाइफ में फॉरेस्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये देश के लिए इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली लाभकारी है। सुंदरबन में पाए जाने वाली सुंदरी की लकड़ियों से बोट और स्टिमर्स बनती हैं। बैम्बू से बास्टेक, मैट्स, टॉयज, फर्नीचर और आर्टिस्टिक चीज़ें बनाई जाती हैं। डेट और पाम लीव्स से ब्रूम्स यानी कि झाड़ू बनते हैं, जबकि काटेचू से काटेचू जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। देवदार ट्री से पेपर का पल्प और चीड़ ट्री से टर्पेंटाइन बनाया जाता है। देवदार और चीड़ ट्री से टी बॉक्सेस, मैच स्टिक्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स और फिलामेंट्स बनाए जाते हैं। सीलिंग वैक्स वार्निश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इंक प्रिंटिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के मटेरियल और ग्रामोफोन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी कि हम इसे किस तरह से बचा सकते हैं। जंगलों के कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए कई सारे उपाय किए गए हैं जैसे कि और किए जाने चाहिए। पेड़ों को काटने से मना किया जाना चाहिए। इल्लीगली काटने वालों को गंभीर रूप से पनिश किया जाना चाहिए। पेड़ों को वेस्टलैंड यानी कि बंजर जमीन पर उगाया जाना चाहिए और लोगों को एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ उगाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरी रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को एफॉरेस्टेशन के लिए अवेयर रहना चाहिए और उनको ज़रूरी मदद भी देनी चाहिए। फॉरेस्ट को साइंटिफिकली डेवलप करने के लिए ज़्यादा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने चाहिए। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिससे हर एक इंडियन को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक जिम्मेदारी लगनी चाहिए। अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की। इंडिया की वाइल्ड लाइफ डिफरेंट और बिल्कुल अलग है। इंडिया में दुनिया भर के डिफरेंट स्पीसीज ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ जो इंडिया में पाई जाती है वो देश की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है। एलिफेंट्स यानी कि हाथी कर्नाटका, केरला और असम में पाए जाते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट ममल है। इनका उपयोग लकड़ी और दूसरी चीज़ें उठाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में किया जाता है। इंडिया में पाए जाने वाले वन हॉर्न राइनोसॉरस, एक सिंग वाले गेंडे,
एक अनोखा जानवर है। ये मार्सी एरियाज यानी कि दलदली एरियाज आसाम और वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधे और ऊंट कच्छ के रण डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं। लायन और टाइगर दोनों इंडिया में पाए जाते हैं। इंडिया सिर्फ अकेली ऐसी कंट्री है जहां पर ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं। एशियाटिक लायन गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल के रॉयल बंगाल टाइगर्स 8 स्पीसीज में से एक हैं। टाइगर्स MP, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड और हिमालय के कुछ एरियाज में पाए जाते हैं। तिबेटियन बियर्स हिमालयन रीजन और डेडियापाड़ा फॉरेस्ट जो गुजरात में है वहाँ पर देखे जाते हैं। लियोपर्ड यानी कि लपर्ड, हाइनास, ब्लू बुल यानी कि नील गाय, वुल्फ, ब्लैकबर्ग, डियर एट्सेट्रा भी इंडिया में पाए जाते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मंकी जैसे कि लंगूर, गिबॉन, हुलॉक और बबून भी इंडिया में देखे जाते हैं। अलग अलग तरह के बर्ड्स भी इंडिया में देखे जाते हैं। डक, ईगल, पैरट, कॉमन मैना, पिजन मैना एट्सेट्रा भी इंडिया में देखे जाते हैं। सभी बर्ड्स में फेमस बर्ड पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड है। उसकी सुंदरता उसके ब्यूटीफुल फिदर्स यानी कि सुंदर पंखों के कारण होती है। दूसरे एट्रैक्टिव बर्ड्स में क्रेन्स जो 1.5 मीटर ऊंचे होते हैं और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे घोराड कहते हैं जो इंडिया के हैवीएस्ट बर्ड में से एक है। द रूडी शेल डक जिसे सुरखाब वो अपने अंडे कच्छ के रेगिस्तान की रेत में देता है। केओला देव बर्ड सेंचुरी जो राजस्थान में है वो दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी है जहां ऑलमोस्ट 2.5 लाख बर्ड्स पाए जाते हैं। गुजरात में नल सरोवर बर्ड जो माइग्रेट होकर पूरी दुनिया से आते हैं वो गुजरात में नल सरोवर में देखने को मिलते हैं। अलग अलग तरह की फिश भी जैसे कि मैकरल, लॉबस्टर, लॉम्बे डक, बॉम्बे डक, हैरिंग, पॉम्फेट, सालमन, शार्क, डॉल्फिन एट्सेट्रा इंडिया में देखे जाते हैं। वो ज़्यादातर ईस्टर्न और वेस्टर्न सी कोस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ पर कुछ सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं जो इंडिया में है। नेशनल सेंचुरी किस स्टेट में है और कौन से बर्ड और एनिमल के लिए है? काजीरंगा आसाम में है हिपोपोटेमस, वाइल्ड बफेलो और डियर के लिए। रण ऑफ थार राजस्थान में है, वुल्फ ऑफ रण, कैट ऑफ रण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। कान्हा नेशनल पार्क नेशनल सेंचुरी जो मध्य प्रदेश में है टाइगर और स्नेक के लिए। गिर नेशनल सेंचुरी जो गुजरात में है लॉयन और लेपर्ड चीतल जो स्पॉटेड डियर है उसके लिए है। वेलावदर नेशनल पार्क अगेन गुजरात, ब्लैकबर्ग, खादमोर, खड़मोर, वुल्फ, ब्लू बुल यानी कि नीलगढ़ के लिए। केओला देव राजस्थान में जो वेरियस बर्ड्स के लिए है। बंदीपुर कर्नाटका में है एलिफेंट, बियर, पिग और वाइल्ड कैट के लिए। दाचीगांव जो जम्मू एंड कश्मीर में है मस्क डियर के लिए। और जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है लायन, एलिफेंट, लेपर्ड और डियर के लिए। अब बात करते हैं प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाटर एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। ह्यूमन कंजप्शन के लिए सिर्फ 2% ही वाटर अर्थ पे अवेलेबल है। पॉल्यूटेड और पॉइजनस वाटर जमीन के नीचे अंडरग्राउंड वाटर को भी तेजी से प्रदूषित कर रहे हैं। ये सभी लाइफ फॉर्म्स और साथों साथ एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए पॉल्यूटेड वाटर का दोबारा उपयोग करने के लिए कोई रास्ता निकलना चाहिए। स्टूडेंट में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए स्कूल और कॉलेजेस के करिकुलम यानी कि सिलेबस में फॉरेस्ट डेवलपमेंट कंटेंट शामिल करने ना चाहिए। इस तरह जंगलों को आग से सुरक्षित करना और लाइफ और प्रॉपर्टीज को कम से कम नुकसान हो ऐसे कदम उठाने चाहिए। मिनरल इंसानों के लिए नेचुरल गिफ्ट है। ये बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है इसलिए इनका उपयोग सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए। मिनरल्स के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। लोगों को मिनरल्स को दोबारा यूज करने के लिए भी मोटिवेट करना चाहिए। कंटिन्यूअस जंगलों की कटाई से
कई वाइल्ड एनिमल स्पीशीज खतरे में आ गई है। असल में कुछ फॉरेस्ट एरिया से तो वो गायब ही हो गई है। बर्ड्स और एनिमल्स को उनकी स्किन, फेदर्स, बोन्स, हॉर्न्स, टेथ और इवन मीट के लिए भी उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। ये किलिंग्स पे कंट्रोल कर लेना चाहिए। सिटीजन्स को वाइल्ड एनिमल की इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। लोगों को एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, फ्लोरा एंड फौना यानी कि बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और फौना यानी कि एनिमल्स की करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स डेवलप होने चाहिए। नेचर एजुकेशन कैंप से लोगों को वाइल्ड लाइफ के बारे में अवेयर करना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।